शांति। आज की तारीख है 11/1/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे दिव्य बुद्धि दाता। कहते हैं कि मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। प्रश्न है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? उत्तर है, देह अभिमान का। देह अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ, इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद में रहें, उन पर ही बलिहार जाना है, उनको ही श्रीमत पर चलना है। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, याद की यात्रा में थकना नहीं है, ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। नंबर दो, सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है, अपनी मन मत पर नहीं चलना है, सतगुरु की निंदा भी कभी भी नहीं करानी है, काम क्रोध के वश कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे आपके ये रूहानी नैन, रूहानी मूर्त, ये दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव कराने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।